दादी आज छाता दे दो, मैंने फोन में देखा था कि बारिश होने वाली है। हाँ अच्छा अभी लाती हूँ। बच्चों मुझे एक ही छाता मिला है, दूसरा छाता कहाँ है? अरे दादी वो तो मैंने ना पहले से ही बैग में रख लिया, क्योंकि मैंने भी आज फोन में देखा था कि आज बारिश होने वाली है। अच्छा ये ले बेटा तू छाता, ये इस सीजन का तुम्हारा पांचवा छाता है, ये अभी खोना नहीं चाहिए समझे? अच्छा ठीक है दादी नहीं खोएंगे। ठीक है दादी क्या, मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ, मैं इसको बोल रही हूँ पिंकू को। हाँ दादी नहीं खोऊंगा, मैं इतना भी लापरवाही हूँ, माने कि मैंने एक दो तीन चार पांच छाते घुमाए हैं, पर जरूरी थोड़ी कि मैं ये भी घुमा दूंगा। अच्छा ठीक है चल चल। सही है पिंकू, आज का ना मौसम मुझे बहुत ही साफ लग रहा है, आज तो कोई बारिश वारिश नहीं होगी है ना? हाँ। यार अचानक से बारिश कैसे होने लगी? एक मिनट छाता है मेरे पास तो। अबे ओ तू मेरे छाते में क्यों घुस रहा है? मम्मी ने तुझे भी तो छाता दिया था, तू भी तो घर से छाता लाया था, तेरा छाता कहाँ है? अरे दीदी वो मेरा छाता बैग में है। अच्छा तेरा छाता बारिश या तुझे बचाने के लिए है, या फिर तेरा बैग तेरे छाते को बचाने के लिए है? वो दीदी मुझे आला सारा निकालने में, पहले मुझे बैग खोलना पड़ेगा, फिर छाता निकालूंगा, फिर चेन बंद करूंगा, और हमारा तो घर से 10 कदम की दूरी पे है, इससे बढ़िया मैं आपके छाते में घुस जाता हूँ। अबे ओ तू ज्यादा चंड चतुर चालाक मत बन, चुपचाप अपना छाता निकाल बैग से, वरना ऐसे ही बारिश में भीगता हुआ घर चल, और फिर घर चल के मम्मी से अच्छे से पिटाई खा। दीदी मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ मैं अपना छाता ना स्कूल में भूल गया। क्या वाह बेटा वाह, फिर तो तू घर चल, मम्मी ना तेरे को अच्छे से वॉशिंग मशीन में वॉशिंग पाउडर से धोएंगी, घर चल। ठीक है मतलब अपने छाते में, अब मैं इतना भीगी रहा हूँ तो अच्छे से भीग लेता ना, मानसून का मजा लूंगा। अच्छा हुआ जिसके साथ मैं नहीं भीगी, इसे अकेले ही भीगने दो, घर चल के ना मम्मी इसकी खाल निकालेंगी, मैं तो घर ऐसे सूखी सूखी जाऊंगी, ये अकेला ही पिटेगा, अगर मैं भी भीग गई ना तो इस कुत्ते के साथ फालतू में मुझे भी डांट सुननी पड़ेगी। मैंने पहले कहा था तुम मुझे छाते में घुसा लो, अब दिख गए ना, अब भी मुझे लगता है भगवान भी मेरे साथ है। अरे ये तुम दोनों ने अपना क्या हाल बनाया हुआ है, मैंने तुम दोनों को छाता दिया था ना, फिर तुम लोग कैसे भीग गए? और सिब्बू तू तेरे में तो इतनी समझ होनी चाहिए, तू बड़ी है ना कि तू ना खुद भीगे ना उसको भीगने दे, तू खुद तो भीगी सो भीगी और पिंकू को भी भिगो दिया, बारिश के दिनों में कितनी बीमारियां चली हुई हैं, अगर उसको सर्दी खांसी जुकाम कुछ हो गया तो? अरे दादी मैं जानबूझकर नहीं भेगी, मैं ना सूखी सूखी आ रही थी, एक गाड़ी वाला आया उसने मेरे पे छींट मार दी और मुझे पूरा भिगा के चला गया। अब तुझे भीगने के बाद कोई और बहाना नहीं मिला तो कार वाले का नाम लगा दिया, मैं सब जानती हूँ ये तुम दोनों की मिली भगत है, मुझे सब पता है। अरे नहीं दादी मैं सच बोल रही हूँ, आप चाहो तो आप पिंकू से पूछ लो, घर आने तक मैं बिल्कुल सूखी सूखी थी, तभी अचानक एक कार वाला आया और मुझे पूरा भिगा के चला गया, बता पिंकू। हाँ दादी। तू तो चुप कर, तू बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र बना फिरता है, तू भी तो उसकी तरह एक नंबर का झूठा है, मुझे सब मालूम है तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बटे हो, इससे पहले कि तुम्हारी माँ तुमको देख ले और तुम्हारी शामत आ जाए तुम लोग भाग लो अंदर कपड़े बदल लो, पहले गीले कपड़े सूख नहीं रहे हैं तुम लोग और कपड़े गीले करके ले आए हो, चलो भागो जल्दी से। हाँ हाँ यार मैं सच बता रही हूँ, मेरी एक दोस्त है उसी एरिया में रहती है, वो बता रही थी कि उसकी एरिया में एक नया शॉपिंग मॉल खुला है, वहाँ पर शॉपिंग करने पे बड़ा डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। है चल यार फिर हम भी चलते हैं अपने लिए शॉपिंग करने, कम पैसों में डिस्काउंट ऑफर पर बहुत सारी शॉपिंग कर लेंगे, ठीक है? हाँ यार अच्छा तो डिस्काउंट ऑफर वाली बात बता दी, मुझे भी पता है शॉपिंग पर जाना था अपने लिए ड्रेस लेने, अब ना मैं भी तुम्हारे साथ चल लूंगी।
हाँ तो तुम दोनों एक काम करो, जल्दी से मेरे घर पे मिलो, फिर हम तीनों साथ में शॉपिंग पे चलेंगे। हाँ ये सही रहेगा, चलो ठीक है मैं आती हूँ। हाँ हाँ चल मैं भी आती हूँ। ओके बाय। हे सिम्बू। हे कीकी, आओ अंदर आओ। बैठो बैठो। कहाँ बैठे? यहाँ तो कपड़े सूख रहे हैं, पर कोई नहीं, मेरे रूम में चल के बैठते हैं। चल आज 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 क्या बैठूं? ओह लगता है मम्मी ने आज घर के सारे कपड़े धो दिए हैं, पर कोई नहीं दूसरे रूम में चलते हैं। आ जाओ आ जाओ यहाँ बैठो। कहाँ बैठे? नहीं तू ही बता कहाँ बैठे, तेरे घर में जगह तो है नहीं। अरे बहुत जगह है। कहाँ लगाए हाँ कहाँ जगह है? अरे बहुत जगह है। कहाँ जगह है? अरे बहुत जगह है। कहाँ है जगह? अरे बहुत जगह है। जब क्या एक चुप हो, तू बिल्कुल चुप हो जा। देखियो कहाँ है जगह, कहाँ है जगह, चारों तरफ से तेरे घर में कपड़े सूख रहे धोबी घाट की तरह। अरे यार तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरे घर में ना तीन तीन वॉशरूम है और मस्त उसमें इंग्लिश सीट लगी हुई है, उस पे बैठ जाओ। अरे यार मैं तो मजाक कर रही थी, क्या बैठना बैठना, डायरेक्ट निकलते हैं ना शॉपिंग के लिए। हाँ, हाँ, चलो। यार सुनो, तुझे नहीं लगता कि अगर बाहर इतनी बारिश हो रही है, तेरे घर में हर जगह कपड़े सूख रहे हैं, तो हमें थोड़ा सेफ्टी के साथ बाहर निकलना चाहिए। अरे मेरे घर में अम्ब्रेला रखा है, मैं अम्ब्रेला ले लेती हूँ, हो गई सेफ्टी, और क्या सेफ्टी चाहिए। अरे बेवकूफ लड़की, अम्ब्रेला से क्या सेफ्टी होगी, उससे तू सिर्फ ऊपर ऊपर से भीगने से बचेगी, और नीचे का क्या, तेरे कपड़ों पे कीचड़ लग जाएगा, तेरी ड्रेस खराब हो सकती है, और तो और हील्स और शूज भी खराब हो सकते हैं, फिर तू क्या करेगी। देखा तुम दोनों ने एक नंबर की गधियां हो, तुम दोनों ने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया होगा ना। मैं हूं ना स्मार्ट, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन साथ लेके आई हूँ, बताओ क्या क्या। टेन टेन, ये है रेनकोट, इससे हम ऊपर से भी नहीं भीगेंगे और नीचे से भी नहीं भीगेंगे, प्लस हमारी ड्रेस भी खराब नहीं होगी। देखा ना मैं कितनी स्मार्ट हूँ। और एक और बात, मैं दो रेनकोट लेके आई हूँ क्योंकि मुझे पता था तुम दोनों तो अपना दिमाग चलाने नहीं वाली हो। अच्छा तो फिर ये वाला तुम मुझे दे दे। तू क्या करेगी इसका, ये मुझे दे। अरे तू क्यों लेगी, ये मैं लूंगी। अरे तू क्यों लेगी यार सिब्बू, तू अपने घर पे है ना, अपने घर से ले रेनकोट, ये इसको दे दे। अच्छा ठीक है। गाइस सुनो, एक काम करते हैं, हम ना रेनकोट अभी पहन लेते हैं। यार अब हम वेट थोड़ी करेंगे कि बारिश आए और हम फिर रेनकोट पहने। एक काम करते हैं, पहन लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट मॉल चलेंगे, ऐसे हम बारिश से बच भी जाएंगे और सूखे भी रहेंगे। हाँ यार ये ना सही कह रही है, यही पहन लेते हैं। रेडी। यार ये ऑटो वाला कब आएगा? यार इतनी देर हो गई, मुझे तो एक भी ऑटो नजर नहीं आ रहा यहाँ। यार ये ना बारिश का सीजन है, तो बारिश में तो ऑटो वैसे ही कम आते हैं। एक काम करते हैं ना, कैब कर लेते हैं। फिर तू पागल है क्या, बारिश के मौसम में कैब करेगी? वैसे ही कैब चार गुना पैसे लेती है, ऑटो के पैसे तो है नहीं हमारे पास, और अगर गलती से हम ट्रैफिक में फंस गए तो कैब के रेट आठ गुना और बढ़ जाएंगे। नहीं नहीं यार हम कैब नहीं करेंगे, अगर हम सारे पैसे कैब में लुटा देंगे तो हम शॉपिंग किन पैसों से करेंगे। तो सुनो एक काम करते हैं, पैदल चलते हैं। पैदल इतने दूर, तू पागल है क्या? देखो ड्रामे मत करो, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, चलना तो पड़ेगा ही, तो चलो चलो चलो। हाँ यार मैं ना वो एक येलो कलर का टॉप देखा था ना हमने एक वहाँ पे, जो मैंने तुझे फोटो भी दिखाई थी, वो वाला लूंगी। मेरे को बिना एक अच्छी सेक्सी सी ना डेनिम दिलवा देना। हाँ।
ये देख तीन जादू जा रहे हैं, वो भी महिला जादू। यार देखियो बारिश बारिश तो हो नहीं रही है और हम ही है जो फालतू में ये रेनकोट पहन के जादू की तरह बस चले जा रहे हैं और लोग हमें देख देख के हंस रहे हैं, घूर रहे हैं ऐसे। हाँ यार जादू तो हम लग रहे हैं, अब इससे पहले हमारे पीछे कुत्ते पड़े ना हम ये रेनकोट निकाल देते हैं। हाँ 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 भार मेरा उड़े मन डोल ले। हाँ उतारेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ। अरे गाइस यहीं से लेफ्ट लेके ना बस सामने की तरफ ही मॉल है। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हम मॉल पहुंच ही गए, शॉपिंग करके बहुत मजा आने वाला है। चलो हाँ तो बहुत सारी शॉपिंग करेंगे यार, मजा आ जाएगा। अरे मैडम हेलो, कहाँ जा रहे हैं आप तीनों? मॉल जा रहे हैं भैया। नहीं मैडम आप तीनों मॉल नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं मॉल में? और अभी तो मॉल आगे है ना। और क्या भैया, और आप होते कौन हो हमें रोकने वाले? हम चाहे मॉल जाए, चाहे कहीं भी जाए, चाहे थिएटर जाए, चाहे मूवी देखने जाए, आप सोसाइटी के चौकीदार हो तो अपनी सोसाइटी से ही मतलब रखो। अरे मैडम मैं मॉल का ही चौकीदार हूँ और मॉल वालों ने हर गली हर नुक्कड़ हर चौराहे पर गार्ड लगा रखे हैं। क्यों? क्योंकि मैडम बारिश का मौसम है और आप जैसे लोग गीले होकर हमारे मॉल में घुसते हो और मॉल दुकान सामान सब गीला और खराब कर देते हो, इसलिए मॉल ने सिक्योरिटी बढ़ाई हुई है और जहाँ भी ऐसे लोग दिखाई दे उन्हें रोककर घर भेज दो। तो मैडम आप तीनों भी नहीं जा सकते, हमारी नौकरी का सवाल है, प्लीज मैडम। चलिए मैडम जाइए जाइए निकलो। पता नहीं कहाँ से आ जाती है यार, एक तो हम इतनी मेहनत करके इतनी दूर आए शॉपिंग करने और शॉपिंग भी नहीं कर पाए और हमारा तो बेकार गया। क्या दिन? यार इससे तो अच्छा ना हम कैब कर लेते, ना भीगते ना भगाए जाते। ओ सिबू पिंकू बाहर बारिश आने वाली है, कपड़े उठा लो वरना सारे कपड़े भीग जाएंगे। ओए जा छत से कपड़े ले आ। मैं क्यों जाऊं, ये तो आपका काम है ना। अच्छा ये मेरा काम कैसे हुआ? क्योंकि आप लड़की हो। अच्छा ये तुझसे किसने बोला कि घर का काम सिर्फ लड़कियों का ही होता है? मम्मी ने। अच्छा मम्मी ने बोला, रुक अभी पूछती हूँ मम्मी। अरे नहीं 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 मेरा मतलब है ये तो हम दोनों का काम है ना। अब आया ना लाइन पे, चल मेरे साथ कपड़े उतारने। उजड़े जूते ना भार मेरा उड़े मन डोल ले। हे भगवान तुम लोगों को कब अकल आएगी, कितनी बार समझा चुकी हूँ गीले कपड़े ऐसे नहीं रखे जाते, उनको बेड पे और सोफे पर अच्छे से फैला दो और उसके बाद पंखा चला दो ताकि वो अच्छे से सूख जाएंगे, नहीं तो सीलन की बदबू आएगी उनमें से। फैला दिया दीजिए सारे कपड़े। फैन कौन ऑन करेगा, मम्मी आके ऑन करेंगी, जा ऑन कर। मैं तो बहुत थक गया दीदी।
हाँ पिंकू, मैं भी बहुत थक गई। देख पहले तो हम कपड़े उतार कर ले आए, फिर उनको बेड पे रखा, फिर उसके बाद यहाँ सोफे पे लाके के कपड़े करके सुखाए, और उसके बाद तूने तो फैन भी ऑन किया। दीदी इतना काम करने के बाद और अब बारिश भी हो रही है, गर्मा गर्म तो बनता है कुछ। हाँ पिंकू चलना, मम्मी को कुछ बोलते हैं, गर्मा गर्म बना के लाएंगी। मम्मी को नहीं, दादी को बोलते हैं, वो ज्यादा अच्छा बनाती हैं। हाँ दादी दादी। हाँ बोलो बच्चों क्या बात है। दादी हमारा ना आपकी हाथ की गर्मा गर्म चाय पीने का मन कर रहा है। कोई बात नहीं बना देती हूँ। हाँ दादी एकदम मसालेदार कड़क चाय बनाना। चिंता मत करो, मसाले वाली गर्मा गर्म कड़क चाय बना के लाती हूँ, ठीक है। ये लो बच्चों तुम्हारी गर्मा गर्म कड़क चाय। थैंक यू दादी। दादी हाँ, इसके साथ थोड़े बिस्किट और मिल जाते ना तो मजा ही आ जाता। अच्छा लाती हूँ, ये लो बिस्किट। थैंक यू दादी। नमकीन भी मंगाए? हाँ। दादी हाँ दादी देखो ना बारिश का मौसम हो रहा है, और इस बारिश में अगर कुछ चटपटा मिल जाता तो मजा ही आ जाता। ठीक है लाती हूँ। ये लो तुम लोगों का चटपटा नमकीन। थैंक यू दादी। दीदी दादी से पकौड़े बनवाए। दादी अब क्या है, ब्रेड पकौड़े भी बना दो ना प्लीज। प्लीज दादी। हद कर दी तुम लोगों ने, कभी चाय कभी नमकीन कभी बिस्किट, और अब तो तुम लोगों की फरमाइश और बढ़ गई है। कुछ नहीं तो ब्रेड पकौड़ा बना दो, बारिश शुरू हुई नहीं कि तुम लोगों की फरमाइशें चालू। देखो अब मैं रसोई में खड़े खड़े थक गई हूँ, अब मेरे से और काम नहीं होता। तुमको और कुछ बनवाना है तो अपनी माँ से जाके बोलो, उससे बनवा लो। अरे दादी मम्मी अच्छा नहीं बनाती है, आप ज्यादा अच्छा बनाते हो, आपके हाथों के पकौड़ों की तो बात ही कुछ और है। हाँ दादी बना दो ना प्लीज, पता है इतनी बारिश में ना सबके घर में पकौड़े बनते हैं, मुझे तो पड़ोस वाले के यहाँ से खुशबू भी आ रही है पकौड़ों की, और अगर हमारे घर पे नहीं बनेंगे तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। अच्छा अच्छा ठीक है लाती हूँ बना के। ये लो तुम्हारे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े। थैंक यू दादी। थैंक यू दादी। दादी ये तो ठीक है, पर थोड़े से गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े और हो जाते तो। हाँ दादी। अच्छा बताऊं तुम दोनों को, जरा सी भी शर्म बाकी है खा गए तुम दोनों को भी। मैं इतनी देर से तुम लोगों की फरमाइशें पूरे करने में लगी हूँ, और तुम लोग हो कि शर्म यह छोड़ के ऑर्डर पे ऑर्डर किए जा रहे हो। तुम लोगों का बहुत ज्यादा चटरपटर खाने को मन कर रहा है ना, तो एक काम करो मेरे साथ किचन में चलो, हाथ बटवाओ और जो खाना है बना के खाओ। है? अरे नहीं नहीं दादी और कुछ जरूरत नहीं है बनाने की, हमारा तो इसी से काम चल जाएगा, क्यों पिंकू? हाँ दादी इसी से काम हो जाएगा हमारा। वाह बेटा वाह, क्या पलटी मारी है तुम लोगों ने, मैं पागल दिखती हूँ तुम लोगों को जो इतनी देर से रसोई में तुम लोगों के लिए कुछ ना कुछ बनाई जा रही थी, और मैंने जरा सा रसोई में आके काम करने के लिए क्या बोला, तुम लोगों के पेट भर गया। छोड़ो तुम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। नहीं दादी। लो दीदी पकौड़े हाथ तक तो आए लेकिन मुंह में नहीं गए। तेरी वजह से हुआ है ये सब। आपकी वजह से हुआ ये सब, और खा लो पकौड़े। पकौड़े हेलो बेबी क्या कर रही हो? कुछ नहीं बस मैं ना बहुत सारी नेल पेंट लाई हूँ अलग अलग कलर की, तो उसको एक बार लगा रही हूँ फिर उसको छुड़ा कर देख रही हूँ, फिर दूसरी लगा रही हूँ फिर उसको भी छुड़ा कर देख रही हूँ कि कैसी लग रही है। बेबी तुम कितनी बिजी रहती हो ना यार, अपनी ब्यूटी का कितना ध्यान रखती हो। हाँ बेबी सच में मुझे ना बहुत टाइम देना पड़ता है अपनी ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए। अच्छा बेबी सुनो ना,
देखो ना यार कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, तो क्यों ना यार आज तुम मेरे से मिलने आ जाओ। अरे यार तुम पागल वागल हो क्या, देखो बाहर कितनी बारिश हो रही है और मम्मी मुझे बारिश में बाहर बिल्कुल भी जाने नहीं देती। मम्मी कहती है कि बाहर बारिश हो रही है और अगर तुम बारिश में बाहर जाके घर में आएगी तो घर में पूरा कीचड़ हो जाएगा। यार बेबी तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या, यार तुम मेरे लिए अपनी मम्मी को नहीं मना सकती। यार प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते, आंधी तूफान में भी सात समुंदर पार करके मिलने आ जाते हैं और तुम होगी घर से बाहर नहीं आ सकती मेरे से मिलने। अच्छा अच्छा ठीक है अब ज्यादा इमोशनल मत हो, मैं आती हूँ। ओके बेबी फिर मैं भी आता हूँ, बाय। ओके अब मैं अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी और हाँ साथ में छाता भी रख लूंगी ताकि मैं बारिश से बिल्कुल भी ना भीगूं। यार ये सही है, अभी तक तो बारिश का मौसम हो रहा था और अभी एक मिनट में धूप निकल गई। एक काम करती हूँ छाता खोल ही लेती हूँ, क्या पता कब बारिश हो जाए। हाँ यार इसने जाम बोला था मैं वहाँ गई और ये है कि अभी तक नहीं आया। ये मौसम का भी ना कुछ पता नहीं होता, एक मिनट में बारिश होती है और एक मिनट में धूप निकल आती है, पर पता नहीं ये कहाँ रह गया अभी तक नहीं आया। वेट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सॉरी बेबी सॉरी यार। अरे क्या सॉरी, एक तो तूने मेरा पूरा मेकअप खराब कर दिया, पूरी ड्रेस खराब कर दी, तुझे पता है मेकअप करने में कितना टाइम लगता है और ये मेरी नई ड्रेस थी। यार बेबी अब गड्ढा बीच में आ गया तो इसमें मेरी क्या गलती। तूने जो करना था ना वो तूने कर लिया, अब मैं करूंगी वो भी तुझसे ब्रेकअप। यार बेबी इतनी सी बात के लिए ब्रेकअप कौन करता है। ओहो इतनी सी बात है ये तेरे लिए, अब तो डबल ब्रेकअप। यार बेबी मेरे जैसा लड़का तुम्हें कहाँ मिलेगा, तुम एक चीट के चक्कर में मुझसे ब्रेकअप कर रही हो। तेरे से अच्छा ना तो एक भिखारी होता है, तेरे से अच्छा मैं ना भिखारी से सेटिंग कर लूंगी, वो ही बन जाएगा मेरा बॉयफ्रेंड। क्या भिखारी? गाइस अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी हुई है तो प्लीज कमेंट करके बताओ, अब इस चीज में हम लड़कों की क्या गलती। यार गलती ये है कि तुमने ध्यान नहीं दिया, अगर ध्यान देते ना ही चीट पड़ती और ना ही ये।